गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू साइंस चैप्टर 5, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। वी यूज इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन साल्ट, शुगर एंड विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ द सम एडिबल्स सब्सटेंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। आपने डेली बेस में देखा होगा हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते रहते हैं। क्या उन सबका स्वाद एक जैसा होता है? इन सबका स्वाद एक समान होता है? आइए हम एक सारणी बनाते हैं। 5.1 में आपको अलग अलग चीजें दी हुई हैं, इनके टेस्ट को आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आता हमारे, यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंस टेस्ट श्योर, सम टेस्ट बिटर एंड सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। तो आप पाएंगे क्या कि कुछ चीजों के स्वाद खट्टे होते हैं, कुछ के कड़वे हो सकते हैं, बिटर होता है कड़वा, और सम टेस्ट आर स्वीट, कुछ मीठे होते हैं और कुछ टेस्ट हमारे सॉल्टी होते हैं, जो नमकीन वाले होते हैं। 5.1 है हमारी एसिड एंड बेस। तो कर्ड लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट और दिस सब्सटेंस टेस्ट अवर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, द केमिकल नेचर इन सच सब्सटेंस इन एसिडिक। तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रवृत्ति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, जो एशियर वर्ड है हमारा, उसका अर्थ होता है हमारा खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? आप बेकिंग सोडा के बारे में क्या जानते हैं? इसका स्वाद क्या भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है बेकिंग सोडे का, बल्कि इसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल ही नहीं है। जिस चीज का कोई स्वाद नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई अम्ल नहीं है। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इन नेचर? तो देखिए, जिनमें कोई टेस्ट नहीं है वो हमारे क्या होते हैं? वो एक साबुन जैसे होते हैं। एक विलियन को उनको हाथ पर लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे साबुन लगा लिया हमने। कई बार झाग से भी आते हैं, चिकना सा लगने लगता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, वो हमारे क्षारक कहलाते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट व्हाटएवर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, गुड़ल एटसेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग इंडिकेटर्स। तो देखिए, कोई पदार्थ अम्लीय हैं या क्षारकीय हैं, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका विशेष प्रकार के पदार्थों की सूची बना करके एक उसका हम यूज़ करना चाहेंगे। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। आप देखेंगे, आप हल्दी का छोटा सा पीस लीजिएगा, हल्दी को किसी सफ़ेद कपड़े पर लगाइए और धूप में रख दीजिए। जब हल्दी अपना रंग बदलती है, हल्दी होती है पीले रंग की, और जब उसके ऊपर कोई भी क्षार तत्व लगता है, जैसे साबुन जैसी चीज है, सब जैसी लगती है, तो उसका रंग बदल करके लाल हो जाता है। तो हल्दी, लिटमस, गुड़ल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। अब क्या आप जानते हैं कि आपको जो ये दी हुई है सूची, इसमें जो चीजें दी हुई हैं वो कहाँ से मिलती है? सबसे पहले दिया मैं नेम ऑफ एसिड, और ये किस में पाया जाता है? सबसे पहले नंबर पे दिया हमें एसिडिक एसिड, विनेगर में, यानी कि एसिडिक एसिड किसमें होता है? सिरके में, बिल्कुल जो खट्टा होता है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? आंट सिटी में, आंट का जो चींटी का जो डंक होता है उसमें होता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा, नींबू, पुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है।
नेक्स्ट होता हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? हमारा कर्ड में, दही में। ऑक्सेलिक अम्ल, ऑक्सेलिक एसिड क्या है हमारा? स्पेनिक होता है पालक में। नेक्स्ट हमारा एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल किस में होता है? आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है, जिसमें कि विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी? विटामिन सी की। विटामिन सी सभी खट्टी चीज़ों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सब अम्ल जो हमारे प्राकृतिक अम्ल थे। अब कुछ और दिए हैं क्षारक, नेम द बेस फाउंड इनको, कहाँ पाए जाते हैं? नंबर वन पर है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारा चूने के पानी में। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक होता है। क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन, इसमें पाया जाएगा, साबुन में पाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, दूधिया मैग्नीशियम में पाया जाएगा। नेक्स्ट आता हमारा 5.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो प्राकृतिक सूचक हैं। नंबर वन है हमारा लिटमस अ नेचुरल डाई, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन लिटमस, इट इज फ्रॉम लिस मोर पर्पल कलर इन द वाटर, व्हेन एडेड टू एन सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, इट इज अवेलेबल इन द फ्रंट सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर। तो देखिए, सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकिनो शैक से निष्कर्षित किया जा सकता है। आसुत जल में इसका रंग माव नील शोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो क्षारीय नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र भी कहते हैं। सामान्यतः ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। आप देख रहे हैं पिक्चर, ये हमें दिखाई दे रही है, जो ये लाइकेन है। क्या है ये? लाइकेन। एक्टिविटी 5.1 मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर टेस्ट ट्यूब। तो देखिए, प्लास्टिक के किसी प्याले कटोरे या परख नली में आप क्या करेंगे? नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइएगा। Put a drop of above solution on the strip of the red litmus paper with the help of dropper. Dropper की help से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल litmus पत्र पर डालिएगा। Repeat the same exercise with the blue litmus paper. ऐसे ही सेम आपको ब्लू litmus paper पर करना है। Note down if there is any change in color. Note करके रखेगा यदि उनमें कोई चेंज होता है, कोई बदलाव आता है। टैप वाटर डिटर्जेंट सॉल्यूशन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 5.2। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दोज सब्सटेंस द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इधर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज नेचुरल सॉल्यूशन। तो देखिए, इसका परीक्षण करेंगे हम। क्या? इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई चेंजेस हो रहा है। टू प्रिपेयर लाइम वॉटर, टेक सम वॉटर इन अ टम्बलर एंड एड सम लाइम चूना, लाइक कहते चूने को, इन टू इट, स्टिर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर द सम टाइम, पोर अ लिटिल फॉर्म
द टॉप दिस इज लाइम वाटर। तो चूने के पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलियन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपर भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निकाल लीजिए। यह द्रव ही चूने का पानी होता है। एक्टिविटी 5.2, टेक अ टेली स्पूनफुल ऑफ टर्मेरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। मेक टर्मेरिक पेपर और द डिस्पोजिंग टर्मेरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर। तो देखिए क्या होगा, एक चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इस पर थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए। साई सोखता जो होता है फिल्टर पत्र, हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पत्तियां काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलयन डालिए। तो आप इससे क्या पाएंगे, आप इसमें चेंज पाएंगे कि जो भी इसका रिजल्ट मिलेगा ना उसको आप सारणी 5.3 में नोट करेंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं, आगे का चैप्टर नेक्स्ट टाइम पर करेंगे। सभी को अच्छे से वीडियो को वॉच करना है, बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।